है यार, तू अपने बाप सिर के छेड़छाड़ करवा रही है, आप ही बताओ क्या ये इसने ठीक किया? ऐसा कौन करवाता है? एक बार तो डिसीजन ले लेती, मेरे से पूछ तो लेती कि मैं तेरे को मैंने मजाक सोचा करता हूँ सच्ची करता हूँ। सरप्राइज सरप्राइज दूंगी। दे दिए ना, होठ होठ दिख रहे तेरे। तू क्यों ऐसा करती है? तेरे को पता है कोई तेरी सूरत बंदरिया जैसी बना देगा और मैं देखूंगा घर के अंदर कौन घुस रहा है। आज मैं अपने हस्बैंड पे करने वाली हूँ एक तगड़ा प्रैंक, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं हम कोई प्रैंक नहीं लेके आ रहे हैं। तो भाई प्रैंक तो मैं कर सोच रखा है, लेकिन है ना मैं सोच रही हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो जो प्रैंक है ना उसमें मेरे होठों पे बहुत रिस्क है। तो वो बोलते हैं कि मेरा ऊपर वाला ये जो होठ है ना, ये काफी मतलब बड़ा है, चोच बोलते हैं मुझे, तो ये बड़ा है और नीचे वाला मतलब छोटा है। तो मैं आज उनको बोलूंगी कि मतलब मैं ना अपनी वो इंजेक्शन लगा के, सर्जरी होती है क्या होती है मुझे नहीं पता, वो होते नहीं है जो होठ मोटे मोटे कर लेते हैं यहाँ से किनारे से मोटे मोटे हो जाते हैं, तो वो मैं करूँगी। तो कुछ जुगाड़ करके मैं इनको थोड़ा सूझाऊंगी और यहाँ तक फैला के लिपस्टिक और ऐसे करूँगी, ताकि मुझे पता है बहुत बुरी लगने वाली हूँ और बहुत बुरी लगूंगी। तो देखते हैं कैसे क्या रिएक्शन आएगा उनका और क्या बोलते हैं। तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे होट करूंगी कैसे नहीं। तो जी मैं करती हूँ स्टार्ट अब, क्योंकि 7:30 हो गए हैं, क्या पता वो जल्दी आ जाए। अब ये ढक्कन लिया है मैंने, ये तो इससे ऐसे ऐसे करना है मुझे, तो याद दागना पड़ रहा। कुछ है ना इस तरह से करना है यार, ये तो चीज भी मच रही है। तो पहले मैं ना लिपस्टिक से करके देख लेती हूँ, लिपस्टिक से हो जाता है तो, क्योंकि मेरी एक पड़ोस है ना उसने मुझे बताया था कि लिपस्टिक से कर लेना, लिपस्टिक से करके देखते हैं। भगवान कितनी बुरी लग रही है। कितने बड़े बड़े होठ हो गए। तो भाई सेब तो इतनी बन गई है, सेब तो इतनी रखी, ऐसी लग रही हूँ मैं। शक्ल बदलेगी, ऐसे कर लूंगी यार। भगवान ये तो सच में पंप हो गए, सही भी हो जाएगा ये। या ये ढक्कन बड़ा ले लिया गया मैंने अपने मुंह के हिसाब से, छोटा लेना चाहिए था। दोस्तों ये वाला ठीक है, क्योंकि वो है ना काफी बड़ा है, वो है ना मेरे यहाँ हाथ निशान गेर देगा, तो वो अजीब सा लगेगा। इस वाले से करते हैं ऐसे, ऐसे करके करते हैं। यार ये तो सच में दाग पड़ रहा है। आप सोच भी नहीं सकते मेरे साथ। आप यकीन नहीं मानोगे, सच में देखो मेरा चीज सोचने लग गया। ये देखो सच में दाग पड़ गया है। ओ भाई सच में चीज मच रही है, पेनफुल है ये तो बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा, यहाँ बहुत चीज मचने लगी है, ऐसे लग, आप देख सकते हो कितना पंप आ गया है होटो। हंसी भी आ रही है मेरे। और जब आएंगे ना मैं थोड़ा ऐसे और कर लूंगी, ऐसे ऐसे कर लूंगी। यार बहुत चीज मच रही है इसमें तो। कोई नहीं थोड़ी देर और करती हूँ, कोई नहीं देख लो आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है वीडियो के लिए। पता
पता नहीं ये दाग हटेगा अभी कि नहीं, दाग पड़ गया है देखो हल्का हल्का। चलो करते हैं, लगा दूंगी ना, या बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कर तो लिया है। प्लीज इस वीडियो पर लाइक दे देना, बहुत पेनफुल है, कोई भी ट्राई ना करो यार, मुझे लग रहा था ऐसे ही हो जाएगा। तो भैया मेरे ऑटो की शक्ल देख सकते हो, चीज मच रही है बहुत ज्यादा। चाय पियोगे पहले? अपने मुंह को हाथ क्यों लगा रखा है? कुछ नहीं, आप बैठो तो चाय गर्म कर रही हूँ। ऐसे लगा रखा कुछ पार, हाँ पार्लर गई थी, कुछ करवाया मैंने, वो दिखाना है आपको। अरे नहीं पार्लर नहीं गई मैं, पहले ये लगा दू, ब्लॉगिंग भी होती रहेगी बार बार इधर। तो अरे कुछ बताना है ना मुझे, ब्लॉगिंग में भी बतानी है वो बात, फिर मतलब मुझे ब्लॉगिंग में भी बतानी है वो बात। हाँ पड़े मारो वो ऐसे ना दे, डर तू मारेगा यार, दरवाजे बंद कर दो। अबे क्या हो गया यार, तेरी मूंछ बस उग गई क्या? नाक के बाल उड़वा लिए तूने? अरे आप बोलते थे ना तेरा ऊपर वाला होंठ बहुत बड़ा है, मतलब चोच जैसा है, और नीचे वाला छोटा है। अच्छा फिर क्या हुआ, करवा दिया क्या उसका सिस्टम, छिड़वा दिया क्या ऑटो? अरे वो नहीं थी, मैं कह रही थी उसने एक यहाँ पे वो कर दिया कोर्स। क्या चक्कर है, साफ साफ बता देने यार। अरे मैंने आपको बताया था ना एक नहीं यहाँ पार्लर है वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है हमारे ऊपर। वो जो बता रही तू गाजियाबाद लेके जा रही थी? हाँ जो मुझे नोएडा लेके जा रही थी गाजियाबाद, तो वो आज यही आई थी अपने घर में। हाँ तो उसने मेरे को बोला कि मुझे मॉडल चाहिए, तो आपके होंठ छोटे हैं ना तो आपको कराने हैं। मैंने कहा मेरे को नीचे वाला होंठ कराना है, उसने ऊपर वाला भी कर दिया। अब है ना ये चीज मच रही है बहुत ज्यादा। क्या कर क्या दिया, सर्जरी कर दी क्या तेरी यहीं पर आके? इंजेक्शन लगे थे होंठों पे, बड़े हो गए। तूने होंठों पे इंजेक्शन लगवा दिए? पता है तेरी कंडीशन क्या है इसमें, तो मेडिसिन नहीं उसमें, उसने कहा उससे कोई वो नहीं है साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, दवाई लानी है। पर उसने ये बोला है कि अगर आप दिखा देना कल मुझे 2000 रूपए लेते हैं वो 2000 रूपए लेगी इस चीज के। क्यों लेगी, मैं कर देता बड़े तेरे, इसको कौन से बड़े करने में क्या चीज था बता? आपने बोला ना कि बड़े कर बड़े होटल। अबे मैंने ऐसे थोड़ी कहा था ऐसे करने के लिए, इतने बड़े होटल लेगी तू? अरे कैसी औरत कोई पागल बना कर ला जाता है। अब ये सही नहीं होंगे मेरे चीज भी मच रही है यहाँ पे, बोला भी नहीं जा रहा है यहाँ। तो बोल क्यों रही है, किसने बोला तेरे को बोलने के लिए? दिखा देते होटल करवा कैसे के लिए आप हंसोगे? क्यों हंसूंगा भाई, 2000 रूपए दे दो मुझे वो देने। एक काम कर ले, तेरा काम बढ़िया चलेगा तो तू बात बुलाने लग जा, बच्चे नहीं बेच बच्चों को दिखते बुलाने वालों। मजाक हो रहा है, मजाक क्या तूने दिखा अपने होटल को साथ क्या करवा रही है? ऐसे ही रहेंगे परमानेंट, वो जिसने बोला है यहाँ दवा, मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैंने उससे इतने थोड़ी ना बोला था, मैंने बोला था हल्के से यहाँ थोड़ा पंप आना चाहिए बस, उसने तो यो वाला भी सुझा दिया।
अब मेरे को ये अच्छे, अब मैं उसकी मैं ब्लॉगिंग पर सबको बोलूंगी कि गलत काम करती है वो। तो चिड़िया की तरह चोच करवा ली लंबी वाली, वो किसी छूट करेगी तेरे। अब छिड़वा ली तो बनवा लेना, कुछ तो बना। सही नहीं होंगे ये भी सोच लेना, अब ऐसी रहूंगी ये और ऐसी रहेंगे हमेशा के लिए। हाँ तो क्या दिक्कत है, कपड़ा लगा ये दोबारा ऐसे ठीक लग रही। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए मुझे ये बता। नहीं पड़ता ना कोई भी, पड़ता तो है तू ही बता करना क्या। मैं कैसी भी दिखूं आपको क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मैं बुरी दिखूं आपको तो यही है कि मैं बुरी दिखनी चाहिए। हैं बाबू तेरे होंठ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लग रहे हैं आपको, अब इनका कोई सलूशन है इनका? ये कोई भी देख के बता देगा, कोई भी देख के ये अच्छे लग रहे हैं ये। तेरे तू ये क्यों छिड़वाया, तू फोन तो कर लेती एक बार, होठों के अंदर मैं वो भरवा रही हूँ ग्रीस। मुझे रोना आ रहा है पता है, 2000 रुपए भी लग गए और अभी वो कह रही है कि इसमें दवाई भी लेनी है डॉक्टर से। हाँ। और अभी बहुत कुछ करना है इसमें, 5000 से भी ऊपर जाएगा। तेरा दिमाग खराब था क्या, तूने कुछ भी करवा लेगी तेरे साथ, कोई भी कुछ बोल लेगा एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा तेरा खोपड़ी घुमा देखो घुमा देगी उसमें। आँख खोलियो क्या, आँख अंदर की क्या, इधर देखियो कुछ महसूस हो रहा तेरे को आँख में, ये क्या लग रहा है तेरे आँख में कुछ है? आँख में तो कुछ नहीं है, रोई थी ना मैं इसलिए हो रहा होगा, काजल पहन रहा है। ऐसे कुछ है। तो अब मुझे ये बता दो, मैं उसकी कंप्लेंट करूंगी, आप साथ चलोगे मेरे में, आप कंप्लेंट करोगे काम आता नहीं है तो उसने क्यों करा। चलेंगे ठीक है, मैं उसका पार्लर नहीं खोलने दूंगी अब यहाँ पर। कहाँ खोलने देगी, यहीं पे खुलना था उसका। ये देखो यहाँ दाग हो रहा है ना, ये वाला दाग, इसमें चीज चढ़िया नीचे वाले। तू क्यों ऐसा करती है, तेरे को पता है कोई तेरी सूरत बंदरिया जैसी बना देगा और मैं देखूं घर के अंदर कौन घुस रहा है। अपनी बॉडी के साथ कौन एक्सपेरिमेंट करने देता है? आप ही तो बोलते थे ऊपर वाले होठ तो चोच जैसा है। अब नीचे वाले चोच जैसा लग रहा है, तो पहले तो ऊपर वाला था ना। मैं क्या करूं इन्हें बता, मेरी गलती है इसमें। आप उसके पति को बोल क्या हो कि तूने यो मेरी बीवी का क्या, तेरी बीवी ने मेरी बीवी का क्या करा है। उसने देखना ये जान के उसने ये वाला मोटा कर दिया, ये वाला नीचे वाला चीज भी बच रही है इसमें। रोटी तो खाएगी या होठों से पकड़ेगी? मेरे को नहीं पता, मैं मेरे को मेरे और ठीक करवाओ, जैसे थे मुझे वैसे ही चाहिए। जैसे तेरे होठ थे वो चोच वाले, तभी तो मैंने करा है। ये बोलते हो आप चोच है चोच है। यार तेरा दिमाग सड़ गया, तू पहले तो अपने होठों के अंदर क्या घुस क्या घुसवाया तूने? अभी आप बोल रहे हो कि ये बुरे लग रहे हैं, तो मतलब वो अच्छे लगते थे आपको पहले वाले? यार तू कैसे समझा, पहले वाले अच्छे लगते थे? पहले वाले ठीक थे तेरे, तो फिर चोच क्यों बोलते थे? वो अच्छे लगते थे इसलिए। चोच बोलेगा कोई अपनी बीवी को तो क्या बोले? चोच कहके मतलब कि अच्छा नाम था, मतलब प्यार प्यारा वाला नाम था चोच है। बाबू तू गलती कर दी था ना होठ के साथ ऐसा करवा गया, मैं कुछ समझ में नहीं आया कैसी हो रहा था, दिमाग सड़ गया था क्या? यार तू एक बार दिमाग के ऊपर देगी मेरे तरफ एक बार फिर से। अब तेरे पूरे चेहरे पे तेरे होठ उठ दिख रहे हैं, अब हमारा आने वाला बच्चे तो सोच ले मम्मी को क्या हडिम्मा बोलेगा क्या वो आश्री है। मतलब मम्मी तेरे बड़े बड़े होठों वाली यार, ऐसा कौन होता है, किसकी मम्मी होती है? कैसे कैसे बात रोना रोना आ रहा था, एक बता दे
आधा मैं कंधे पर करूंगा यार। दिलीप तू सोचती ना, तू क्या करवा रही है। मैं तो डर रहा था, मैं ये दो कटिंग शेविंग की और खर्चा क्या करूंगा, ख्याल से इसकी आज दाढ़ी शेविंग हुई मुझे आगे तो थोड़ा लगा रहता हूँ। वैसे तूने क्या बोला उसको, कैसे होट करने मेरे को? मैंने उसको बोला कि मेरा ऊपर वाला होट सही है, ऊपर वाला नीचे वाला है ना कम पंप है उसमें थोड़ा ला दे, तो वो कह रही ठीक है। मैंने कोर्स किया है, उसने इंजेक्शन लगाए थे इनमें पता नहीं क्या, बहुत पेन हुआ था बहुत ज्यादा, फिर उसने दवाई लिखी है वो दवाई भी लेके आनी है। अच्छा चल दे आएंगे दवाई। तो आपको ऐसे ओटी चाहिए? ये ऐसे ही रहेंगे, कम नहीं होंगे ये जितने हैं। उसके उसके हस्बैंड को पकड़ूंगा मैं, ठीक है, उसे बोलूंगा कि अपने वाइफ को बोल कहीं भी इंजेक्शन ना लगाए। मैं पार्लर ना खोलने दूंगा अब उसका यहाँ पर। सही है चले अभी चाय पी लो चलते हैं। ठीक है क्या गोल बोलोगे उसके पति को? कुछ नहीं दिखाऊं तेरे और ऐसे कर दूं सामने ऐसे कर, मतलब और लाके दिखा दूं। मजाक में ले रहे हो? मजाक क्या ले लियो यार, उसकी बात कर रही है उसके पति को, करवा मेरी लगाई आपके साथ कुछ हो जाए तो मैं मजाक करूंगी क्या आपके शरीर के साथ? अगर हम कुछ करवा रहे हैं तो अपने फैमिली के साथ डिसीजन तो लेंगे कि मैं यार करवाऊं या ना करवाऊं। तो आप ही बोलते थे तेरे चोट जैसे होते हैं, चोट से बुरा हाल कर लिया तुम तो, वे पत्थर की कैसे बनवा लिए। मैं इसका कुछ सब कुछ समाधान कल करूंगा, टेंशन ना ले तू, डॉक्टर के पास जाऊंगा बोलूंगा इसका और छोटे करने हैं तो बोलूंगा मेरे वाइफ के और छोटे करने हैं। ठीक है लोग तो कटिंग शेविंग छोटे मतलब बाल छोटे करवाते हैं, तेरे और छोटे करवाऊंगा। अब देख तेरे और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये तो सब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा चलता रहा यार। कभी जून सोच ली मक्खी लड़की, मक्खी ने काट लिया था मधुमक्खी ने, ये ऐसे रहेंगे हमेशा? अबे हो जाएंगे ठीक, मोटे और हो सकते हैं पर पतले नहीं होंगे, और मोटे हो सकते हैं। हाँ। चल तो ये ठीक है, मेरा भी उसी के जैसा हो जाएगा। आसिया टाकिया कौन है वो हीरोइन के वजह से होट हो गए इतने बड़े बड़े सूरी जैसे। तेरे भी ऐसे? तो भाई मैं ब्लॉगिंग का करती हूँ यही बैंड, क्योंकि इसकी बज गई आज बैंड, मेरा मूड हो गया है ऑफ। ये मेरा पति पहले मुझे इसने उकसाया कि ऐसे ओट चाहिए तेरे हैं, और अब मैंने करा लिए मुझे कितना पेन हुआ है मुझे पता है। ऐसा कौन आदमी है यार, तू अपने शरीर का छेड़छाड़ करवा रही है, आप ही बताओ क्या ये इसने ठीक किया? ऐसा कौन करवाता है? एक बार तो डिसीजन ले लेती, मेरे से पूछ तो लेती कि मैं तेरे को मजाक करता हूं, सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज दे ना, होट होट दिख रहे तेरे, मुझे सरप्राइज भी तेरे होट ही दे रहे सरप्राइज। अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। हैं तो कैसे अच्छी लगेगी यार, धोखे आ जाऊं सही लगूंगी? धोखे आ जाऊं मतलब ये है क्या? ढक्कन से बना रखा है, शक्ल भी ढक्कन जैसी है, होट भी ढक्कन जैसे कर लिए ना। मैं सच में होगा मेरा लाल लाल देगा, हटेगा ही नहीं दो तीन दिन तक। ड्रामे कर रही थी क्या? मैं तो प्रैंक कर रही थी। ये कौन सा प्रैंक था? होट वाला प्रैंक? भाई मैं तो प्रैंक कर रही थी, मैं पर है ना मैं सच में हर्ट है ना, थोड़े सूरी जैसे हो गए हैं। देख अगर मैं सच्ची में करा लूँ ऐसे, अब देख ले अब तो ड्रामा हो जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं। देख नीचे दाग पड़ गया और ऊपर वाले हर्ट पर दाग पड़ गया। तो भाई वीडियो को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल, क्योंकि काफी दिनों बाद हमने वीडियो बनाई है प्रैंक वीडियो, जो कि मेरे साथ सच में हो गया, क्योंकि है ना मेरा पेन बहुत सच्ची में हो रहा है नीचे वाले होंठ पे, और सच्ची पे दाग पड़ गया, पता नहीं हटेगा कि नहीं हटेगा। तो एक बार मैं वॉश करके आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको।
तो भाई प्रैंक तो मैंने कर दिया इनके साथ, लेकिन है ना मैं नीचे होठ पे सच्ची में दाग आ गया है। चीज चल रही है ऊपर तक, तो भाई प्रैंक नहीं हो रहा था, इतने दिन हो गए इस आलसी आदमी को, तो प्रैंक करना बहुत जरूरी था। तो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना, जल्दी आएगी धमाकेदार वीडियो, तो है ना। तो इन पे हो गया आज प्रैंक। आपको वैसे कैसे लगे रहे थे? बहुत बुरे, पहले तो चोच चोच कहते थे आप। तो भाई मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो लाती रहूंगी, अब कंटिन्यू मैं वीडियो लाऊंगी। ये मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।